ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। धर्मा प्रोडक्शन पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, चर्चा कंपनी की हिस्सेदारी बेचने को लेकर। अब इस कड़ी में बड़ी खबर आ गई है। ताजा खबर यह है कि वैक्सीन बनाने वाली दिग्गज कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला धर्मा प्रोडक्शन में 50% हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। पूरी खबर डिटेल में आपको समझाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला धर्मा प्रोडक्शन में 50% हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। पूनावाला ये हिस्सेदारी 1,000 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। इस डील में करण जौहर की कंपनी फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन का जो वैल्यूएशन है वो करीब 2,000 करोड़ रुपए किया गया है। देखिए, धर्मा प्रोडक्शन ने प्रेस रिलीज के जरिए इस डील की जानकारी दी है। साझेदारी के बारे में बताते हुए अदार पूनावाला ने कहा कि वो अपने दोस्त करण जौहर के साथ देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस में से एक के साथ साझेदारी करने का अवसर पाकर बहुत खुश है और उन्हें उम्मीद है कि वो धर्मा का निर्माण और विकास करेंगे और इससे भी बड़े स्तर पर उसको पहुंचाएंगे। साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए करण जौहर ने कहा कि उन्हें धर्मा की विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ये तैयार है और ये साझेदारी दूरदर्शी व्यावसायिक रणनीतियों को दर्शाती है। पूनावाला धर्मा प्रोडक्शन में ये इन्वेस्टमेंट सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, बाकी की हिस्सेदारी धर्मा प्रोडक्शन के पास ही रहेगी। करण जौहर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कंपनी की अगुवाई करेंगे, वहीं अपूर्व मेहता कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने रहेंगे। देखिए, खबर पहले से सुर्खियों में थी कि करण जौहर अपनी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन में हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर पहले जिन कंपनियों के साथ बातचीत हो रही थी उनका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। इनमें मुकेश अंबानी और हर्ष गोयनका जैसे दिग्गजों के नाम शामिल थे। धर्मा प्रोडक्शन भारत की अग्रणी फिल्म निर्माण और वितरण कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1976 में यश जौहर ने की थी और अब इसका संचालन करण जौहर द्वारा किया जा रहा है। देखिए, कंपनी भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे आगे रहा है। कंपनी को कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और दूसरे फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनकी आखिरी कुछ फिल्में हैं बैड न्यूज, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। इस डील के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।